देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। का बदला लेने के लिए पिता ने दी 1.5 लाख रुपए की सुपारी, पिता सहित 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। आपको बताते चलें, बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए योजना बना रहे एक पिता को नवाबगंज पुलिस ने 2 सुपारी किलर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, 1 खुकरी को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में कुलड़िया थाना क्षेत्र के गांव डडिया नजमुल निसा में प्रेम प्रसंग में विजयपाल की हत्या रमेश चंद्र ने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। इसी बात को लेकर विजयपाल के पिता श्रीपाल पुत्र रामचरण निवासी नवाबगंज मोहल्ला भट्ट पहलवान 2 सुपारी किलर को रमेश चंद्र की 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस को मामले की जानकारी किसी तरह पता हो गई थी। पुलिस ने आलाधिकारियों मामले को खुलासे के लिए आदेश दिए गए। इसी दौरान नवाबगंज पुलिस 16 जून वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस की हत्या की योजना बना रहे लोगों की सूचना दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए श्रीपाल के साथ सुपारी किलर भवरपाल थाना हाफिसगंज निवासी रामपाल उर्फ नन्ने निवासी हाफिसगंज को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने मामले को नए सिरे से पूछताछ शुरू की तब पता चला कि विजयपाल का पिता अपने बेटे की हत्या का बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने 1.5 लाख रुपए की फिरौती दी। श्रीपाल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने हत्या करने के लिए भवरपाल रामपाल को 82,000 रुपए एडवांस में दिए थे। नवाबगंज थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये पूरा मामला एक हत्या से जुड़ा हुआ था। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना प्रभारी नवाबगंज को जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष 2018 में श्रीपाल के बेटे विजयपाल की हत्या रमेश और उनके कुछ साथियों ने प्रेम प्रसंग के कारण कर दी थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए श्रीपाल कुछ लोगों को सुपारी दिया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी ने एक टीम बनाई और इस घटना को सत्यापित किया और श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया। तो उसकी पूछताछ पे उसने सारी बातें स्वीकार की कि 1.5 लाख रुपये में उसने भंवरपाल और रामपाल को ये सुपारी दी थी और 82,000 रुपये इस घटना के लिए करने के लिए उनको उन्होंने दे दिए थे। इस संदर्भ में भंवरपाल, रामपाल और श्रीपाल तीनों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त होने वाले असला उनसे बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में थाना नवाबगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई प्रस्तुत है।